रांची के एक फाइव यूनिवर्सिटी छात्रों को शिक्षा देने के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उद्यमिता विकास के लिए भी प्रेरित करता रहा है। इसी को लेकर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा व्यंजन का स्टॉल लगाया गया। इन व्यंजनों को छात्रों ने खुद तैयार किया था। सिमलिया स्थित एक फाइव विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। फूड फेस्टिवल में 20 से भी ज्यादा व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया। महोत्सव में छात्रों ने खुद से बनाए गए व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें महाराष्ट्र का मसाला चिकन और हैदराबादी बिरयानी के स्वादिष्ट व्यंजन महोत्सव में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। ढोकला से लेकर झारखंडी व्यंजन धुसका और पाव भाजी से लेकर बनारस की मशहूर पान तक का स्वाद लोगों ने चखा। ये इवेंट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है एंड दिस इज़ रियली अ फन गिविंग एक्टिविटी फॉर एवरी स्टूडेंट आउट हियर एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग टीम महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्रन क्विजींस आर हियर दैट इज महाराष्ट्रन खाना है जो कि श्रीखंड है, पाव भाजी है और सोया चाट है, गुला और धुसका है जो कि झारखंड में बहुत फेमस है। हर तीज त्यौहार, होली, दिवाली सब जगह हर टाइम ये धुसका बनता है और उसके साथ हम लोग आलू चना का सब्जी और चटनी दे रहे हैं। का मौका मिल रहा है आगे, जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करने चाहते हैं अगर तो हम लोग कर सकते हैं। आगे जाके अगर कुछ भी करना है हम लोग को तो उसके लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। अभी हम लोग को हमारा इंजॉय करने का भी मौका मिला है यूनिवर्सिटी में। दरअसल इस पूरे फूड महोत्सव के आयोजन के पीछे विश्वविद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं को उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाना है। इकफाई विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विशेष भोजन और पकवान के आधार पर क्षेत्रों का परिचय होता है। दरअसल बच्चों में शिक्षा के साथ नैतिकता, मानसिकता और शारीरिक विकास होना बेहद जरूरी है। ही एक ये लेके आए कि सर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पढ़ते पढ़ते भी बीच में कभी खेल की प्रतियोगिता हो गई, कभी क्विज का कंपटीशन हो जाता है, कभी लिटरेरी ऐसे या कविता का कंपटीशन होता है, तो खाने का भी कंपटीशन क्यों ना हो। तो सब बच्चों को अपना अपना अंत में व्यवसाय कुछ ना कुछ करना है, तो व्यवसाय में कितने तरह की चीज़ें आती हैं, पैसा भी आता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों के बीच कैसे अपने आइडिया को पिच करना है। ये मान्यता है कि भोजन व्यक्ति के व्यवहार और सेहत दोनों पर असर डालता है। अब विश्वविद्यालय ने निर्णय किया कि आने वाले समय में छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए टेक्नोलॉजी, खेलकूद जैसे महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि बच्चों को नौकरी दिलाना और उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।